आज हम आपको पंचतत्व चिकित्सा के बारे में बताएंगे। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि पंचतत्व चिकित्सा आखिर होती क्या है। सबसे पहले हम सभी को पता है कि हमारा शरीर फाइव एलिमेंट्स पांच तत्वों से बना है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांच तत्व हमारे शरीर में होते हैं और इन्हीं से हमारा ये शरीर, ये हमारी शुद्ध आत्मा बनी हुई है। लेकिन हमारे शरीर में जब रोग आते हैं, जब इस देह में रोग आ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, हम लोग किसी डिजीज से पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, तब फाइनली पंचतत्व चिकित्सा काम आती। अब ये पंचतत्व चिकित्सा क्या है, आइए देखते हैं। अब पंचतत्व चिकित्सा के अंतर्गत अगर हम आकाश तत्व की बात करें सबसे पहले, तो आकाश तत्व के अंतर्गत जो चिकित्सा की जाती है उसमें उपवास सबसे पहला आता है। उपवास करना, चाहे वो फलो उपवास हो या रस पर आधारित उपवास हो, ये उपवास चिकित्सा इसमें आकाश चिकित्सा में शामिल की जाती है। इसके अलावा ध्यान, प्रार्थना, मौन धारण करना, ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स है, उपाय है, जिनको इस आकाश चिकित्सा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जल तत्व की बात करें, शरीर में जल तत्व से कैसे हम चिकित्सा कर सकते हैं, तो उसके लिए ये अपनाया जाता है कि उसमें वाष्प स्नान आ गया, भाप स्टीम देते हैं शरीर को, वो शामिल होता है। फिर उसके अलावा एनिमा शामिल होता है, शरीर के अलग अलग अंग पर पानी, जो पानी की धार है वो डाली जाती है, जैसे खास तौर से हमारे कमर वाले हिस्से पर, हमारे सिर पर ठंडे पानी की, या जैसा भी उचित लगे उस प्रकार से पानी से चिकित्सा की जाती है। तो जल तत्व उससे संतुलित होता है और ये भी एक चिकित्सा का अलग रूप है। तो जल तत्व में ये चीजें शामिल होती है। पृथ्वी तत्व चिकित्सा के अंतर्गत आता है कि इसमें मिट्टी से चिकित्सा की जाती है। जो साफ सुथरी बालू मिट्टी होती है अच्छी वाली, उसको पहले साफ कर दिया जाता है, उसके बाद उसको गीली मिट्टी से पट्टियां बनाई जाती है, उसको गीला करके एक कपड़े के अंदर, गीली मिट्टी की पट्टियां कहते हैं उसको, उसको हमारे शरीर के अलग अलग अंदरूनी अंगों को ताकत देने के लिए पृथ्वी तत्व से चिकित्सा की जाती है। इसके अंतर्गत मिट्टी की पट्टियों को हमारे आमाशय, अग्नाशय, हमारे पेड़ू भाग पर, हमारे जॉइंट पर या फिर सिर पर इस तरीके से रखा जाता है, ताकि पृथ्वी तत्व का भी हमको सहयोग मिल सके उन रोगों को ठीक करने में, मिट्टी चिकित्सा जिसको कहते हैं। या फिर बालू स्नान, पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप किया जाता है, उसमें अलग अलग तरह की जो साफ सुथरी मिट्टी होती है, गीली मिट्टी, उसका लेप करके इस पृथ्वी तत्व के अंतर्गत चिकित्सा की जाती है। जहां तक बात करें अग्नि तत्व, हमारे शरीर में अग्नि तत्व होता है, उसके अंतर्गत कैसे चिकित्सा की जाएगी, कैसे बीमारियों को ठीक किया जाएगा, उसमें आता है सबसे पहले सूर्य की सनलाइट, जो धूप होती है उसमें बैठा जाता है, और हमारे शरीर में वहां से जो किरणें आती है उससे हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस और कई सारी बीमारियों का खात्मा हो जाता है, समाप्त हो जाती है। इसके अलावा रंगीन जो लाइट होती है अलग अलग तरीके से, जैसे कि आपको किसी कलरफुल अलग अलग कलर के बॉक्स में आपको रखते हैं और फिर सनलाइट आती है ऊपर से, तो वो जो लाइट आएगी वो वापस अंदर आपको कलर के रूप में मिलेगी। जैसे येलो कलर के बॉक्स में आपको बिठाया तो आपको येलो लाइट मिलेगी, ब्लू लाइट मिलेगी। इस तरीके से अलग अलग जो प्राकृतिक नेचुरोपैथी में उपचार करते हैं तो उसमें रंगीन जो किरणें होती है, रंगीन किरणें, सनलाइट से तो एक ही लाइट आएगी लेकिन अलग अलग बॉक्स में, कलरफुल बॉक्स में आपको बिठा करके इस तरीके से हम लोग अग्नि चिकित्सा ये लोग करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत ये आता है। तो अग्नि तत्व को इस तरीके से संतुलित किया जाता है। और अंत में आता है वायु चिकित्सा। वायु तत्व की पूर्ति करने के लिए शरीर में प्राणायाम का सहारा लिया जाता है, लंबे गहरे श्वास लेना, डीप ब्रीदिंग करना, ऑक्सीजन को ज्यादा इंटेक करना, ताकि शरीर से गंदगी बाहर निकल सके और शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन पहुंच सके। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये फाइव एलिमेंट जो होते हैं हमारे शरीर में, वो उनको बैलेंस किया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी रोग में फायदा मिलना शुरू हो सके। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।